नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। क्या नोट बदली का फैसला गलत था और जल्दबाजी ने जीएसटी के फायदे को नुकसान में बदल दिया? आज यह आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं, यह आरोप अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने लगाए हैं। उनके कई सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम सरकार के लिए आसान नहीं है। हाँ, बीजेपी एक जवाब जरूर दे सकती है कि यशवंत तो पहले से ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, पार्टी से नाराज थे, लिहाजा उनकी बातों का क्या मतलब। लेकिन इन्हीं तर्कों और कुतर्कों से बचने के लिए आज हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस बहस में शामिल नहीं किया है, क्योंकि असली नुकसान जनता का है, असली नुकसान देश का है, फायदा किसका है, क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि वाकई यशवंत सिन्हा के बयान का राजनीतिक मतलब या राजनीतिक तरह से उनके तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश तो नहीं किया जाएगा, या उनके बयानों में कुछ सच्चाई है और सब कुछ बेमतलब का भय है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहते। अच्छे दिन तो आए नहीं, ये बुरे दिन कब जाएंगे। गिरती अर्थव्यवस्था पर अब बीजेपी के घर में भी कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ नोट बदली और जीएसटी को इसके लिए जिम्मेदार बताया है, बल्कि अरुण जेटली पर भी उन्होंने निशाना साधा है। नोट बदली पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार ने उसका मजाक उड़ाया। विपक्ष ने जीडीपी गिरने का दावा किया तो सरकार को इसमें सियासत दिखी। लेकिन अब तो बीजेपी के घर से ही नोट बदली और जीएसटी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की नब्ज को बेहद करीब से समझने जानने वाले पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। उन्होंने न सिर्फ गिरती अर्थव्यवस्था पर अपनी ही सरकार को घेरा है बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्षमताओं पर सवाल उठाया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि गिरती जीडीपी में नोटबंदी ने आग में घी डालने का काम किया, जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की गई जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को झटका लगा बल्कि आज लोगों को नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। न विकास हो रहा है और न ही विदेशी निवेश हो रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी अरुण जेटली को अहम मंत्रालय दिया गया। इतना ही नहीं, कैबिनेट के मंत्रियों के नाम तय होने से पहले ही वित्त मंत्री का नाम तय था। यानी अब यशवंत सिन्हा ने भी वही कहा है जो कांग्रेस कहती आ रही थी। हम तो ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुले आम से पार्लियामेंट में जिस दिन ये नोटबंदी की चर्चा आई थी उसी दिन उन्होंने कहा कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज प्लंडर है, ऐसे चीजों को नहीं करना और इससे कम से कम 2% जीडीपी डाउन हो जाएगी, तो वो सच हुआ। यशवंत सिन्हा के बयान पर बीजेपी ये कह सकती है कि पार्टी में हाशिए पर होने की वजह से ये यशवंत सिन्हा की खींच भी हो सकती है। ये सच है कि यशवंत सिन्हा दरकिनार किए जाने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें यशवंत सिन्हा ने वही बात कही है जो तमाम अन्य अर्थशास्त्री कह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात एक ये भी है कि जिस सरकार की यशवंत सिन्हा आलोचना कर रहे हैं उसी सरकार के वित्त मंत्रालय में उनके बेटे जयंत सिन्हा करीब 2.25 साल तक राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। इस फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ही नोस हाउ इकॉनमी वर्क्स पर्टिकुलरली whenever BJP is in power, how economy works, he knows. But it is not Mr. Yashwant Sinha alone. All the economists in the country, whether they belong to right or left or center, everybody has acknowledged there is economic slowdown. सरकार के संगी भी ये मानते हैं कि देश की इकोनॉमी डाउन हुई है, लेकिन उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सरकार ने स्वयं माना है कि कई दिक्कतें आई हैं, वित्त मंत्री इसके प्रबंधन और नियोजन में लगे हुए हैं, हमें आशा है कि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आएगी।
यशवंत सिन्हा के मुताबिक 2015 में जीडीपी तय करने का तरीका बदला था। अगर पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा जीडीपी 5.7 नहीं बल्कि 3.7% ही है। हालांकि सरकार भी इस बात को मान चुकी है कि इकोनॉमी की हालत खराब हुई, लेकिन वो इसके लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार मानकर अपनी ही किरकिरी भला कैसे करवा सकती है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को याद करिए जब उन्होंने नोट बदली के बाद दिया था कि इससे कोई खास व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ है वो कहीं और है, इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व चीफ, उन्होंने क्या कहा था? वो तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। हम इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं कि किन किन तर्कों के आधार पर इसको लागू करने से पहले या लागू होने के बाद चेताया गया था। मेरे साथ भी इस वक्त एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर अरुण, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं जिसको देश समझना चाहता है, लोग समझना चाहते हैं आज। लेकिन आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा साहब की, जिन्होंने अपने ही घर में कम से कम एक ऐसी आवाज बुलंद की है जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पार्टी की किरकिरी हो रही है, लेकिन सरकार अपनी नीतियों पर सोच रही है। मेरा सवाल ये है, और उन्हीं के जरिए जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वाकई नोट बदली और जीएसटी दो बीमारियों की तरह है जो इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में करेगा? जी हाँ, आपकी बात सही है कि ये नोटबंदी और जो जीएसटी लागू किया गया है, ये एक तरह का हमारी अर्थव्यवस्था पे झटका लगा है, जिसको कहते हैं शॉक लगा है, क्योंकि इससे जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। संगठित क्षेत्र को भी धक्का लगा है, लेकिन सबसे बड़ा धक्का लगा है असंगठित क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र ही है जहाँ पे कि 93% लोग काम करते हैं और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और वहीं पे उत्पादन में असर आया है। और अगर आप देखें तो उसका असर हमारे संगठित क्षेत्र पे पड़ा है। तो मेरा मानना है कि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था की जो बढ़त है वो 1-2% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 5.7 की जगह शायद इस समय अर्थव्यवस्था 1% या 1.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो हमारा बाकी और क्षेत्र हैं उनमें सब में क्राइसिस है, और इसको सपोर्ट करता है अगर आप देखें तो क्रेडिट ऑफटेक जो बैंकों से हो रहा है, जो क्रेडिट ऑफटेक होता है जबकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जबकि जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो क्रेडिट ऑफटेक नेगेटिव हो गया है जुलाई और अगस्त में, जो कि पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ था। और नोटबंदी के बाद तो क्रेडिट ऑफटेक 60 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। तो ये दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और जो इन्वेस्टमेंट दोनों में कमी आई। इन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा आया था उस समय दिसंबर की तिमाही में जब नोटबंदी चल रहा था, तो वो दिखा रहा था कि जितना उसके पहले साल हुआ था उससे आधा हो गया था इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उससे रेट ऑफ ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो हालांकि अब नोटों की कमी तो कम हो गई है, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जो क्रेडिट ऑफटेक कम हुआ, जो हमारा आरबीआई का आंकड़ा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया था, ये इन तीनों का असर है कि अब जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ठीक है, आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी रखे हैं, लेकिन क्या ना कि इस देश की जनता ये बहुत आंकड़ों में नहीं उलझना चाहती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हुआ है। अरुण जी, जरा हमें मोटा मोटी भाषा में समझाइए, क्योंकि आज जो आपको सुन रहे हैं ना वो जानना चाहते हैं, और वो एक आसान सरल भाषा में समझना चाहते हैं। वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और किस तरह से सरकार की पॉलिसी इफेक्ट कर रही है वो उसको नहीं जानते, क्योंकि उनकी नौकरी जा रही है। डीआर साहू भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लेकिन अरुण साहब, मेरा सवाल ये है कि बोला जा रहा है कि पहले अधिकारियों की नौकरी जाती थी, अब मजदूरों की नौकरी जा रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में इसका असर पड़ा है, किसानों की रीढ़ टूट गई है। एक तो मानसून और मौसम की मार रहती है, ऊपर से नोट बदली और जीएसटी। मुझे जरा इसको एक देसी भाषा में समझाइए कि क्या यहां पर लोग अब कर सकते हैं इस सिचुएशन में। देखिए, यहां पे लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यहां पे सरकार को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है उसको सिर्फ सरकार संभाल सकती है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर जब इन्वेस्ट करता है, तभी नौकरियां बनती हैं, तभी डिमांड अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जो ये नोटबंदी हुई थी
उस समय डिमांड हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो गई, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो लोग काम करते थे उनको नौकरी जो छटनी हो गई, वो गांव वापस चले गए। गांव वापस गए तो जो गांव में पहले पैसा भेजते थे वहां पैसा नहीं भेज रहे थे, बल्कि वहां पे जाके वो और अपना जो पैसा उन पे खर्च होता था। तो इसलिए जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा मतलब असर पड़ा, और उसका असर ये रहा कि जो दाम थे हमारे जो वेजिटेबल्स के और दालों के वो गिर गए। जब वो गिरे तो उससे जो जो किसान है उसकी आमदनी पे असर पड़ा। दूसरी तरफ क्योंकि पैसा नहीं था जो गांव में, तो गांव वालों ने जाके साहूकार से और सेठ से पैसा लिया, तो उनका जो क्रेडिट था वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिला, तो उनका उत्पाद जो लागत है वो बढ़ गई। तो एक तरफ उत्पाद लागत बढ़ गई, दूसरी तरफ उनकी आमदनी कम हो गई, तो इसी की वजह से क्राइसिस रहा। तो आपने देखा कि तमिलनाडु के किसान और जो मध्य प्रदेश के किसान और जो राजस्थान के किसान, सब जगह लोग परेशान थे, और जब सब जगह ये डिमांड आई कि हमें पैकेज चाहिए, और उसी के चलते हुए जो सरकारें आईं उन्होंने फिर ऋण मुक्ति की जो बात की, और ऋण मुक्ति की बात जो जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि उसमें भी जो एक मजाक हो गया कि कहीं एक पैसा दिया, कहीं 10 रुपये दिया, और बहुत सारे तो 500 रुपये से कम मिला है ऋण मुक्ति। तो कुल मिला के जो हमारे कृषि के क्षेत्र में जो क्राइसिस आया है, असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का और उत्पादन का क्राइसिस आया है, और जो दाम है कृषि में वहाँ पे क्राइसिस रहा। ठीक है, तो एक तो पहले से ही नौकरियां नहीं थी, नौकरियों के लिए हम तरस रहे थे, युवा तरस रहे थे, उन युवाओं को सामने रखकर रोजगार का एक सपना दिखाया, स्वरोजगार का एक सपना दिखाया, लेकिन इन दो नीतियों ने कहीं ना कहीं परेशान किया है। साहू साहब, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि टिमलिस सर्विसेज की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है पिछले साल की तुलना में, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट निकाली है, ये अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च करती है, उन्होंने कहा है कि 30-40% जॉब कम हुई है, दूसरी कंपनियों ने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, ये सर्वे में आया उनके। उनका ये सुझाव है कि मोदी सरकार को युवाओं के साथ बरकरार जो 10 मिलियन जॉब्स का जो वादा था उसको पूरा करने में काफी मुश्किलें आएंगी, और ये सारी बातें स्टिमुलस के अलग अलग कैटेगरीज में कही गई हैं। मुझे जरा ये समझाइए, क्योंकि आज राजनीतिक बात हम नहीं कर रहे हैं, आज हम उन तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ जो देश की जनता को एक सही दिशा दिखा सकते हैं। क्या नोटबंदी और जीएसटी से इकोनॉमी जो गिरी है उससे उभरना, अपने आप में सक्षम बनना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? देखिए, यदि कभी सुधार की बात होती है, समाज में सुधार की प्रक्रिया जब लागू होती है तो तरह तरह की अड़चने आते हैं, और उस अड़चनों की सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये जो भारतीय समाज में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो डेमोक्रेसी का जो सुंदरता है कि एक व्यवस्था जब खराब होते हैं या असफल होते हैं, अगली जो एक राजनीतिक दल उस तरह की प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं और उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि सुधार की प्रक्रिया और उस तरह की नई नई व्यवस्था के साथ इस तरह की समस्याओं को कोप अप करने की एक समय होता है, और ये इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और इस जेस्टेशन पीरियड में जो क्राइसिस है वो क्राइसिस जो है चैलेंजेस की तरफ दिखाई देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ है और एक काम करने का एक संस्कृति हो, तो ये संस्कृति के माध्यम से इस चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता नहीं, है नहीं, और ये, इस अवसर को बदलने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें आप नोटबंदी चाहे और जिस जीएसटी की बात करें। मेरा सवाल बहुत आसान था आपसे, मेरा सवाल ये नहीं था कि हम लोग किस तरह से उत्साह दिखाएं, क्या करें, हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं। आज पूर्व वित्त मंत्री ने इस देश की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं, एक आर्थिक जो नीतियां हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, और गंभीर चिंतन है, और जिस वक्त हमारा देश ये सोच रहा है और जिस जगह से गुजर रहा है वहां पर ये चिंता कहीं ना कहीं सराहनीय हो जाती है। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हम क्या करें, ये सीधा सवाल है आपसे, क्या करें युवा? हाँ, तो इसमें ये हम कहना चाहेंगे कि जो नौकरी नहीं है ये एक तुरंत वैक्यूम में तो नहीं बना, ये एक इसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के आधार पे आप जब देखेंगे तो ये जो एस्पिरेशन लेवल बढ़ा है और उसको तुरंत कोई जादू की छड़ी तो नहीं है इसको तुरंत करा दिया जाए, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि पूर्व सरकार ने भी ये माना कि हम लोगों ने इस कार्य में असफल रहे तो चुनाव में झूठ बोला गया, असफल के बाद ये कार्य जो है अब शुरू कर रहे हैं तो चुनाव में झूठ बोला गया, समस्या है। लेकिन चुनाव में झूठ बोला, ये नहीं, चुनाव में झूठ बोला गया ना, अरे मैं बता देता हूँ, इसमें समस्या छुपने की क्या बात है, बात नहीं है, नहीं, चुनाव में झूठ बोला गया, एक साल में 2 करोड़ नौकरियां, प्रॉमिसेस है, वादे हैं,
एक साल में दो नौकरियां, कितनी नौकरियां, कितनी परसेंट जॉब क्रिएट हुई है? 19 से 22%। लेकिन ये है कि कोई आइडियल टाइप नहीं, एक आइडियल मॉडल बनाया जाता है कि एक टारगेट रखा जाता है, जैसे कि कोई पंचवर्षीय योजना होता है उसमें एक अप्रोप्रिएट एक बजट बनाया जाता है, उस बजट के बाद एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ उसकी जो टोटल प्रॉब्लम होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि कितनी इम्प्लीमेंट हो पाया। समस्या यहाँ पे है, समस्या यहाँ पे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको अब 2 साल 2.5 साल में सारे समस्याओं को इकट्ठा कर, सर 18 महीने भी नहीं है, 18 महीने भी नहीं है अब चुनाव में, 2 साल 2.5 साल तो अलग चीज है। नहीं अरुण जी, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो सुनूंगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझना चाह रहा हूँ। आप चुनाव की नहीं, चुनाव के लिए तो बोला गया था ना सर, उसको कैसे हम भूल सकते हैं? युवाओं को सामने 65% युवा 5 साल की प्रक्रिया में नाम जोड़ा जाए। सर 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा है, मैनिफेस्टो उठा के देखिए बीजेपी का। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारें बनती हैं, सरकारें बनेंगी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है उसके आधार पर ये देश तय करेगा। अरुण जी, ऐसे में जब 2 करोड़ नौकरियां नहीं हो सकती, स्वरोजगार के लिए योजना आता है, मेक इन इंडिया आता है, स्टैंड अप स्टार्टअप आता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या सोचें? जी हाँ, सिर्फ योजनाएं हैं काम नहीं। देखिए ऐसा है कि जी हाँ, नौकरियों का जो बनना बिगड़ना होता है अर्थव्यवस्था में वो 2 चीजों पर बहुत निर्भर करता है। एक तो कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, और दूसरा होता है कि आपने टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल की। अगर आपने ऑटोमेशन की तरफ बढ़े या आप बड़ी इंडस्ट्री की तरफ बढ़े तो वहाँ पे नौकरियाँ नहीं क्रिएट होती। जैसे मैंने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 93% एम्प्लॉयमेंट है और जो संगठित क्षेत्र है उसमें सिर्फ 7% है। तो ये इसका जो समाधान है वो संगठित क्षेत्र से निकलने वाला नहीं है, इसका जो समाधान है वो असंगठित क्षेत्र से निकलेगा जहाँ पे कि बड़े स्केल पे नौकरियाँ जनरेट हो सकती हैं। दूसरा, ये नौकरियाँ वहाँ जनरेट हो सकती हैं जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है अर्थव्यवस्था में वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में बढ़ाएंगे और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है हमारे देश में, जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। तो मेरा मानना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जाएगी तो वहाँ पे जनरेशन होगा, स्मॉल स्केल में जाएगी तो जनरेशन होगा, और सोशल सेक्टर में जाएगी तब जनरेशन होगा। अगर हम सोचते हैं कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह लगा के कर देंगे तो वहाँ से नौकरियाँ नहीं निकलने वाली हैं, क्योंकि वो तो हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। और जो ILO की रिपोर्ट आई है कि अगर इसी तरह से ऑटोमेशन चलता रहा तो भारत में अगले 10 साल में 60% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और आपने देखा कि जैसे कि अभी 2 साल पहले सन 2015 में जब उत्तर प्रदेश में 360 नौकरियां निकली पियोन्स की, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया जिसमें 380 PhD थे और 2 लाख BTech, MTech, BCom, MCom थे। यानी आप देखिए यूथ में हताशा कितनी है, निराशा कितनी है। और इसी के चलते हुए आप देखिए कि जो प्रॉस्परस कम्युनिटी हैं, पटेल हैं जो गुजरात में और मराठा हैं जो महाराष्ट्र में, जो जाट हैं नॉर्थ इंडिया में, कापू हैं आंध्रा में, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। उनको पता है कि रिजर्वेशन से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है, पर जो अगर 100-500 नौकरियां भी मिलती हैं तो उसके लिए भी आज जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है देश। GST की बात कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और नोट बदली के बाद तो जिस तरह की मार पड़ी है उसको लेकर अब तक रिसर्च हो रहा है और लोग सोच रहे हैं। GST को लेकर एक आंकड़ा मैं दे देता हूँ अरुण जी, आपके पास ये आंकड़ा होगा भी, लेकिन जनता के जरिए हम इस आंकड़ों के जरिए आपको समझना चाहेंगे कि सिंगापुर में 1994 में GST लागू हुआ था, GDP 5.5 से घटकर 3 हो गई। मलेशिया में 2015 में कोई ठोस जो उसकी तैयारी नहीं थी और उसका विरोध अब तक हो रहा है। कनाडा में 1993 में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी हार हुई थी। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जिसने GST लागू किया। ऑस्ट्रेलिया में GST लागू होने के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार की वापसी हुई थी। यानी हर सरकार को स्ट्रगल करना पड़ा है। और लुकास वांसल का एक अध्ययन है, वो कहते हैं कि देश में 22% संपत्ति 1% लोग के पास है हमारे देश में, यानी भारत में, और चीन में यह आंकड़ा 40% का है। तो ऐसे में GST को लेकर जो काम हो रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे क्या हम विकास की तरफ भाग रहे हैं या विकास पागल हो रहा है? देखिए GST की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि GST वन नेशन वन टैक्स है, वो बड़े उद्योग बड़े जो बिजनेस के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जैसे मारुति है वो गुजरात में खरीद के आसाम में बेचेगी और हिमाचल में खरीद के और तमिलनाडु में बेचेगी।
लेकिन जो छोटा उद्योग है, जो मझौला उद्योग है, वो लोकली प्रोड्यूस करता है, लोकली सेल करता है, उसको फायदा नहीं है। दूसरी बात यह कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है जो जीएसटी में लगाया जा रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है और उसमें छोटे उद्योगपति और जो छोटे जो बिजनेस वगैरह है वो बहुत बड़ी तरह पिट रहे हैं क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा है। तीसरी बात यह कि इनपुट क्रेडिट का जो मसला है जो वैट में आया है वो इनपुट क्रेडिट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक बिजनेसेस को 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है किस तरह से उसको लागू किया जाए, कैसे उसको जो डील किया जाए। तो ये जो जीएसटी है इससे इतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है और खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए कि वहां पे वो बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं और उससे जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का है और जो दाम बढ़ने का है ये दोनों साथ जो हो गए हैं। और इसीलिए हुआ है कि बाकी देशों में कि जहां जहां जीएसटी लागू किया गया है वहां पर सरकारें बदली गई क्योंकि इन्फ्लेशन जो उससे तेज हो गया। तो हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन तेज हो गया है क्योंकि सर्विसेज पे पहले 15% टैक्स था वो 18% हो गया है और इसलिए सारी सर्विसेज के दाम बढ़ गए हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, चाहे आप इंश्योरेंस करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में करें, चाहे आप बैंक के चार्जेस देखें, ये सारे चार्जेस बढ़ रहे हैं। अरुण जी एक एक करके आप बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका सीधा असर पड़ता है। तेल भरवाने वाले भूखे नहीं मर रहे ये तो इसी सरकार के मंत्री कहते हैं, तो हम राजनीतिक भाषाओं में नहीं जाएंगे। आपने इतनी सारी बात एक साथ कह दी, आदमी की जब जेब ढीली होती है, जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाता है, सिनेमा देखने जाता है या तेल भरवाता है, उसको लेकर जो परिस्थिति सामने आती है वो किसी से छुपी नहीं है। आप खुद भी जानते हैं जब आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे परिचय करवाना चाहूंगा। हाजी अनवर साहब हैं, रिप्रेजेंटेटिव बुनकर कम्युनिटी। बुनकर कम्युनिटी हैंडलूम्स जो इस देश के भीतर एक क्रांति ला सकते हैं ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और बनारस से इसका कुछ अलग ही जुड़ाव है और ये जो व्यवसाय है वहां फल फूल रहा है। हाजी साहब जरा मुझे ये बता दीजिए कि कितना कमाई हो रही है आजकल आपके व्यवसाय में, कितने लोग काम कर रहे थे और अब कितनी मुश्किलें हैं। अभी तो कोई मुश्किलें नहीं है। हेलो जी जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हाजी साहब बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक मुश्किल बुनकर को आ रही है जो पॉलिस्टर धागे पर पॉलिस्टर धागे पर जो टैक्स से पहले 24% था अभी जीएसटी लगने के बाद 18% हुआ है, तो पॉलिस्टर का दाम घटने के बजाय और बढ़ा करके यहाँ के दुकानदार जो बिचौलिए बेच रहे हैं तो उसकी वजह से बुनकरों को थोड़ा परेशानी आ रही है। बुनकरों को सिर्फ इसी से परेशानी आ रही है या जो बातें सामने की ये भी आ रही थी कि जो मजदूर वर्ग था जो पहले 150-150 रुपए कमा लेता था अब उसके हाथ से वो काम छूट रहा है टेक्नोलॉजी के बाद? उसके हाथ से काम छूटने का सबसे बड़ा जो कारण है, जो रेशम का भाव पहले 3800 रुपया था और अभी वो 4500 में बेच रहे हैं दुकानदार बिचौलिए, और बिल बना के दे रहे हैं 4500 की, बिल बना के दे रहे हैं 3800 का और वसूली कर रहे हैं 4500 रुपया। अब 700 रुपया जो बढ़ती ले रहे हैं तो उसकी वजह से साड़ी का दाम जो है ज़्यादा बढ़ गया और साड़ी का रेट वही है और लागत भाव बढ़ गया जिसकी वजह से बुनकर को नुकसान हो रहा है। नहीं हाजी साहब, एक सवाल ये है कि ये रेशम के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों आपको क्या लगता है ये मार्केट से बढ़े हुए दाम आ रहे हैं या बिचौलिए खा रहे हैं क्या? रेशम का दाम मार्केट से नहीं बढ़ा हुआ, ये बिचौलिए जो है वो मनमानी रेट ले रहे हैं। बनारस में जो खास तौर से ये चौक के दुकानदार हैं रानी कुआं रेशम कटरा, ये मनमानी रेट ले रहे हैं। ये जीएसटी के बारे में कुछ समझाया है आप लोगों को जब आप लोग ये बिजनेस कर रहे हैं टैक्स दे रहे हैं तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है? जीएसटी के बारे में हम लोग तो 5% टैक्स दे रहे हैं, इसके बारे में और 5% बढ़ा के हम लोग माल बेच रहे हैं। माल पहले कितना देते थे? नहीं इसके बारे में तो बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं, हम जो माल बेच रहे हैं तो 5% बढ़ा करके दे रहे हैं। और पहले पहले तो ऐसे ही जाता था, पहले टैक्स नहीं देते, उसमें कोई बढ़ा के नहीं हम लोग देते थे, अभी तो 5% जीएसटी लगा के प्लस करके आगे बेच रहे माल। अभय दुबे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय जी, जीएसटी को लेकर और जो नोट बदली को लेकर बात कही है यशवंत सिन्हा साहब ने,
बहुत तरीके की बातें, हम इस पर राजनीतिक बहस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं और देश भी ये समझना चाह रहा है कि ये जो जीडीपी मापने का जो तरीका बदला है 2015 में और अब जीडीपी को बेहतर बताया जा रहा है, ये जो आरोप सब लगाए गए हैं कि ये बीमारी है नोटबदली और जिसको हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं या फिर जीएसटी, क्या आपको लगता है ये बीमारी के तौर पर उभर रही है? देखिए, ये कहना कि नोटबंदी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही थी या कांग्रेस के ज़माने में वो सरपट दौड़ रही थी, ये सही नहीं है। दरअसल नोटबंदी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किसी तरीके से टिकी हुई थी और उसमें ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा उसके अंदर उछाल आया हो। जो ग्रोथ रेट के आंकड़े दिए जाते हैं, इससे पहले खाया रहा 7% था नोटबंदी से पहले ग्रोथ रेट, तो जब भी ये आंकड़ा दिया जाए तो आप मान लीजिए उसमें 1.5-2% अपनी मर्जी से कम कर दीजिए, क्योंकि जो तरीका अपनाया है ग्रोथ रेट नापने का वो मनमोहन सिंह सरकार ने ही अपना लिया था। वो तरीका एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। मनमोहन सिंह सरकार ने ही ग्रोथ रेट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक तरीका खोज लिया था जो उन्होंने चीनियों से सीखा था। अब उसी तरीके को मोदी सरकार ने जारी रखा। इस वक्त जो 5.7% जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है वो दरअसल 3.7% है, और यशवंत सिन्हा ने अपने लेख में इस तरफ खास तौर से इशारा किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये दरअसल व्यवहारिक जो वास्तविक जमीनी जो ग्रोथ रेट है वो 4% से कम है। तो जिस जो अर्थव्यवस्था 4% से कम पे होगी, आप समझ लीजिए उसमें कितनी बुरी हालत है। जिस समय ये कहा जा रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था 7% और 7.5% की दर से आगे बढ़ रही है, उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आलोचना थी कि जो अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है उसके तो चेहरे पर चमक होनी चाहिए। वो चमक तो किसी भी सेक्टर में दिखाई पड़ रही है, सब खत्म लग रहा है। यहाँ पे एक एक करके सारे सेक्टर जो है वो आईसीयू में जा रहे हैं। आज ही अनिल अंबानी ने बयान दिया है और उससे पहले स्टेट बैंक की अरुंधति राय ने बयान दिया था कि जो नया क्षेत्र है टेलीकॉम सेक्टर वो आईसीयू में चला गया है। तो इस वक्त स्थिति यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसे इस दौर में पहुंचाने का श्रेय कांग्रेस की सरकार को भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी है। कांग्रेस की सरकार में इस सिलसिला शुरू हुआ था, कृषि क्षेत्र में गिरावट शुरू हुई थी और तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग था उसके अंदर गिरावट शुरू हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थी जिसने भी इस समस्या को और संगीन किया। और मोदी सरकार ने यह दावा करके आई थी कि जो कांग्रेस से विरासत में हमें गड़बड़ियां मिली हैं, रोजगार नहीं कांग्रेस सरकार दे पा रही थी, या मान लीजिए जो बैंकों पे एनपीए हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई थी, हम उन सबको दुरुस्त करेंगे। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और लगातार अरविंद सुब्रमण्यम और अरुण जेटली, ये तीनों मिलकर झूठ बोलने की एक त्रिकोणात्मक मशीन है। अगर आप पिछले 2 साल में इनके बयानों पर गौर करें और उन बयानों को अगर आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति की रोशनी में देखें तो आप पाएंगे कि ये झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, इन्हें सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल इसमें भेंट कर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री को भी नहीं छोड़ा गया है। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत आते हैं क्योंकि आज जो कहा गया है उसको लेकर मोदी सरकार के सामने, मोदी सरकार के घर में ही एक बुलंद आवाज उठी है और देश उस आवाज के जरिए सच्चाई भी जानना चाहता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, ये बुरे दिन कब जाएंगे। यशवंत सिन्हा ने अब जो बातें कही हैं उसके संकेत उन्होंने करीब 2.5 महीने पहले दे दिए थे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता प्रांजलि सिंह ने जब उनसे खास बातचीत की थी तो उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले संकेत दे दिए थे। सुनिए वो क्या कह रहे थे 2.5 महीने पहले। जीएसटी जिस स्वरूप में आया है, जिस स्वरूप में लागू हुआ है, उसके बारे में हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने सेंट्रल वैट लागू किया था और सेंट्रल वैट में मैंने 3 स्लैब मुकर्रर किए थे, 3 ही स्लैब। 8% जो मेरिट रेट था, 16% जो मीन रेट था और 24% जो डिमेरिट रेट था। तो ये बहुत मुश्किल से मैंने 12-14 एक सेंट्रल एक्साइज के रेट्स को
सेंट्रल वैट के रेट में 3 स्लैब में कन्वर्ट किया था। तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये लगा कि अब बहुत सारे जो जीएसटी में रेट आ गए, शायद 7 या 8 है कितने आ गए, वो पीछे हमें खींच कर ले जाते हैं, जो हम अचीव कर चुके थे, हासिल कर चुके थे, उसके आधार पर अगर एक रेट जीएसटी का नहीं भी हो सकता था तो कम से कम हम लोगों को 3 रेट पर इसको सीमित करना चाहिए। स्लैब से आपको इंतजार एतराज है जो जिस स्लैब? हाँ, मैंने बहुत सारे स्लैब होते हैं ना, बढ़ा दिया गया। जब टैक्स के बहुत सारे स्लैब होते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है 12% और 5% पर भी टैक्स लग रहा है, तो आप लॉबी करेंगे इस बात के लिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी टैक्स 5% पर लगे। और उसी दिन जिस दिन जीएसटी लागू हुआ उसी दिन ये उदाहरण आया कि उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स 12% पर रखा था, उसी दिन उन्होंने उसको कम करके 5% कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यशवंत सिन्हा अभी मुखर हुए हैं, जीएसटी लागू होने के ठीक 4 दिन बाद का ये इंटरव्यू है जो हमारी संवाददाता ने यशवंत सिन्हा से लिया था और तब भी वो इसके बारे में बारीकियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज जब रिजल्ट सामने हैं, परिणाम सामने हैं, तो इसके ऊपर मुखर हुए हैं और अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अरुण जी, ये सब जानते हैं कि जीएसटी जिस जिस देश में लागू हुआ है वहां आर्थिक परेशानियां हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, ये बात किसी भी इकोनॉमिस्ट से छुपी नहीं है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी बहुत करीब से देखी है और अगर यही हाल रहा तो अरुण जेटली पूरे देश को गरीबी बहुत करीब से दिखाते रहेंगे। ये एक तंज था, लेकिन बहुत बड़ा तंज था, क्योंकि आज देश उस मुहाने पर ही खड़ा है। जी हाँ, देखिए, जो महंगाई की बात है तो जीएसटी में जो सबसे बड़ा हमारा जो टैक्स लग रहा है वो सर्विसेज सेक्टर पे लग रहा है और वहां पे 15% से 18% कर दिया है ज्यादातर चीजों पे टैक्स, तो उससे बहुत महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा जो असर है कि कह रहे हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जो हैं आम मर्रा रोजमर्रा के इस्तेमाल की वहां पे हमने 0 टैक्स लगाया है, लेकिन जो ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो लगते कहीं है, उनका असर कहीं और पड़ता है। तो जैसे कि आपने गेहूं पे है, दूध पे है, इन सब पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर आपके जो ट्रक का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बाकी बैटरी का दाम बढ़ गया, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ जाएगा तो उसका असर होगा गेहूं पे और बाकी सब चीज़ों पे। तो इसलिए महंगाई सब जगह बढ़ जाती है, ये बात नहीं है कि अगर आपने किसी पे 0 टैक्स लगाया तो वहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारा जो महंगाई की दर है उसको हम मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज के दाम कहीं आते नहीं है। अगर आपकी स्कूल की फीस बढ़ जाए, आपका जो इंश्योरेंस का चार्ज बढ़ जाए, टेलीफोन का चार्ज बढ़ जाए, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आता ही नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका 25% वेट है जबकि अर्थव्यवस्था में 60% वेट होना चाहिए। तो यानी कि सरकार कहती है कि महंगाई 2.5% है लेकिन जनता कहती है कि उस 7-8% से ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये जीएसटी के लागू होने से महंगाई सब जगह बढ़ गई है कि सब लोगों ने दाम बढ़ा दिया। जैसे हमारे बुनकर भाई कह रहे थे कि अब हमने 5% टैक्स लगा दिया, या जो सिंथेटिक है वहाँ पे 18% टैक्स लग के आ रहा है, या अगर आप रेस्टोरेंट में खाएं तो वहाँ पे 18% बढ़त हो गई है टैक्स की। तो इनपुट क्रेडिट दिया नहीं है और जो लोगों ने टैक्स अपना लगा दिया है, अगर इनपुट क्रेडिट का फायदा होता तो शायद कुछ महंगाई कम होती, लेकिन इनपुट क्रेडिट इतना ज्यादा कठिन है कि वो अभी तक अप्लाई नहीं हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में ठीक से। तो जो आंकड़े हैं हमारे वो सही नहीं है, इसीलिए जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो महंगाई बढ़ने का रेट है, वो सही तरह से हमारे WPI वगैरह में नहीं आ रहा। उसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा GDP की बढ़त है वो भी सही ढंग से नहीं मेजर की जा रही है। एक तो परेशानी ये हुई कि 2014 के आंकड़े आपने बदल दिए, 2% बढ़ गया, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है जहां पे सबसे बड़ी गिरावट आई है उसके आंकड़े तो 2-3 साल बाद आएंगे। तो यहां पे जो असंगठित क्षेत्र में जो गिरावट आई है उसकी वजह से मेरा मानना है कि जब नोटबंदी हुई तो नवंबर दिसंबर जनवरी के महीनों में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रेट पे जा रही थी, ना कि पॉजिटिव रेट पे। और अभी भी इसलिए जो हमारी बढ़त है अर्थव्यवस्था में वो 1 या 2% की है, ना कि 5.7% की। हमारी एक लेबर रिपोर्ट आई है जिसमें लेबर मिनिस्ट्री ने तमाम आंकड़ों को, जॉब ओरिएंटेड आंकड़ों को सामने रखा है और उसमें ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इस देश में अभी गति पकड़ रही थी वो
गति तो खो चुकी है लेकिन अब वो बैठ गई है, अब वहां प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अरुण जी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेबर मिनिस्ट्री की आधिकारिक रिपोर्ट कह रही है। साहू साहब, जब इस तरह के आंकड़े को हम समझने लगते हैं, ठीक है उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़े, डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करें, जीएसटी को सपोर्ट करें, लेकिन जब उसका आउटकम ना निकले और आउटकम ना निकले सही जीरो, वो नेगेटिव में चला जाए, तो परेशानी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होती है, लेकिन मेरा समस्या आप लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, समस्याओं की पहचान ही समस्याओं की हल की तरफ ले सकता है। तो ये जो समस्याओं की पहचान की जो प्रक्रिया है और इस आंकड़ों के आधार पे जो परिणाम आ रहे हैं, इस परिणाम के आधार पे ये हमको सचेतन कर रहा है कि हमको किस दिशा पे जाना है, किस दिशा पे कार्य करना है। मेरी ये बात माननी है कि इस तरह की जो आंकड़े हैं हमको एक दशा और दिशा दिखाती है और उसके ऊपर कार्य करना है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो दस्तावेज और इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस रिपोर्ट्स को लेके सरकार और जो सरकार की पॉलिसी मेकर से इसको उसको पहल करे और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ इस तरह की कार्य को करने के लिए काम करें, जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप इस तरह की चीज़ों को सामने ला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये समस्याएं तो है, समस्याओं की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और समस्याओं की एहसास करना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो एहसास तो हमारे हिसाब से ये प्रत्यारोप दोषारोप और आरोप दोषारोप के बीच में ना रखे, बल्कि एक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था में जो बदलते हुए मूल्यों के साथ जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ हम देखेंगे तो पॉलिसी मेकर्स को आपकी जूते को बांधना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खाली वादे से काम नहीं चल सकता है, तो वादे जो है वादे पे जीने की आदत डालेंगे तो हो सकता है कि प्रजातंत्र में ये खूबी है कि कुछ दिन तक आप रखेंगे, उसके बाद फिर प्रजातंत्र की व्यवस्था उनको फिर बदल देंगी। तो इस तरह की जो हमारी पूरी भारतीय समाज की जो प्रजातंत्रिक व्यवस्था है, हमको लगता है कि ये वादों पे जीने की आदत डालने का, एक हर समय 5 साल में सपने दिखाने का आदत डाल छोड़ दे और एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक वे में सामाजिक व्यवस्था में जो टारगेट अचीवेबल हो, जो हम उस तरह की कर सकते हैं, उसकी बात करें। तो इस तरह की बातों पे ये एक अच्छा लेसन है हमारे लिए कि इस सरकार को इसमें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम करना चाहिए भी। लगभग 2 साल की समय है, उस समय के साथ वो काम कर सकते हैं। देखिए लेसन देयर बूट्स, अभी हम जो जिस करंट सिनेरियो में हम मौजूद हैं, उस करंट सिनेरियो में कुछ रिजल्ट आउटकम तो दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस खास कार्यक्रम में। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या संदेश भेजा है, ये भी जानिए। महंगाई ने कमर ऐसी जकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। महंगाई डायन को अब तो कुछ काबू करो, करो या मरो, यूं हाथ पर हाथ ना धरो, हाथ पर हाथ ना धरो, अपना विजन दिखाओ, समग्र भारत को गुजरात सा मॉडल बनाओ। काबू करो हालात, जमाखोरों पर कसो कड़ा शिकंजा, नहीं तो क्या बुरा था हाथ का पंजा। चिंताएं तो बढ़ रही, रुपया गिरा धड़ाम, महंगाई ना तो घटी ना ही लगी लगाम, ना ही लगी लगाम, जनता फिरे मारी मारी, ठगा सा महसूस करे वह क्या तकदीर हमारी। जीएसटी और नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ है, ये सरकार भी जानती थी कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने अब क्या बैकअप प्लान बनाया है इसके लिए कि दोबारा पटरी पे कैसे लाई जाए अर्थव्यवस्था, और जो लोग बेरोज़गार होंगे उनका क्या होगा आगे, और देश के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जल्द से जल्द सरकार जनता की नज़रों में दोबारा खरी कैसे उतरेगी। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा जीएसटी से हुआ है। जीएसटी को लागू करने में जल्दबाजी हुई है या नहीं हुई है वो बात की बात है, पर जीएसटी से नुकसान तो होना ही था। नोटबंदी और जीएसटी से जो नुकसान हुआ है या होगा, सरकार उससे कितना भली भांति जानती थी सरकार, और उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाएंगे या उठाने चाहिए थे या उन्हें मालूम नहीं था कि जितना नुकसान हुआ है उससे उम्मीद नहीं थी सरकार को। तो व्हाट्सएप के जरिए लोग हमें क्लिप भेजते हैं और इस प्रोग्राम में हम उन तमाम राय को, संदेशों को शामिल करते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा जनता से ही जुड़ा हुआ है। शरद कोहली फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शरद साहब आपका। अभय दुबे जी,
आप कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत कुछ कहा था नौकरी को लेकर, उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस डिमोनेटाइजेशन को लेकर पहले ही अपने कमेंट्स दे दिए थे कि कुछ खास होने नहीं वाला, 2% का असर पड़ेगा इधर या उधर, वो रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा। रघुराम राजन, उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन छोड़ने के बाद अब जब उन्होंने किताब अपनी निकाली है तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या आपको लगता है कि एक थोपी हुई चीज थी, एक थोपी हुई व्यवस्था पर थोपी हुई चीज है? देखिए, जिसको हम लोग डिमोनेटाइजेशन कहते हैं वो दरअसल अगर एक आर्थिक प्रश्न के रूप में देखा जाए तब तो हमें उसकी असलियत समझ में आएगी। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक उसे एक राजनीतिक प्रश्न के तौर पर पेश करते हैं। ठीक। इस चक्कर में होता क्या है, वो कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश चुनाव जीत लिया तो ये इस बात का सबूत है कि डिमोनेटाइजेशन सही चीज थी। हाँ, बिल्कुल। जबकि ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने से डिमोनेटाइजेशन का कोई संबंध नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ। देखना ही चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन दरअसल क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ा, काले धन पर क्या असर पड़ा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जो कुछ पढ़ा है और प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे गुरु हैं वो मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे, डिमोनेटाइजेशन पूरी तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग, सरकार द्वारा प्रायोजित मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बन गई है। देखिए, 5 खरब रुपया बैंकों में 1,47,00,000 लोगों ने जमा किया, बाकी 5 खरब रुपया करोड़ों लोगों ने जमा किया, बहुत बड़े पैमाने पर जमा किया। मतलब आप इससे आप अंदाज लगाइए कि वो जो पहले 5 खरब रुपए है वो दरअसल काला धन है। अब वो काला धन सफेद हो गया जो उनके पास पड़ा हुआ था, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, वो उनके ऊपर ब्याज खा रहे हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो साबित कर रहे हैं कि वो काला धन है। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये साबित नहीं करेगा वो काला धन है, तब तक वो सफेद धन है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये क्षमता नहीं है, हम जानते हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पर जो 30,000 करोड़ तो जनधन खातों में जमा हो गया पैसा, इन सबको वो काला धन साबित करके दिखाए। जब तक वो काला धन साबित नहीं होगा तब तक वो सफेद धन रहेगा, और उस वक्त तक विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन सरकार द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बना रहेगा। अगर उसको इस आरोप से बचाना है तो सरकार को, कर अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो क्षमता उनके अंदर है नहीं, हम सब जानते हैं वो क्षमता उनके अंदर नहीं है। ठीक है, शरद जी इस पर कमेंट करना चाहते हैं, फिर मेरा आप ही से एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, मैं जो सारा ये मुद्दा है जीडीपी गिरने का, ये जीडीपी गिरना स्वाभाविक था और एक्सपेक्टेड था। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से आप डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को अगर जोड़ के देखें तो यहां पर हिंदुस्तान में क्या था कि यहां पर काला और सफेद इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए थे। आप जब प्रॉपर्टी लेते थे, व्हाइट कितना है, ब्लैक कितना है, ये बात आपसे पूछी, इससे ये संकेत ये मिलता है कि काला और सफेद धन की इकोनॉमी आपस में इंटरलीव्ड, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, इंटरलीव्ड थे। तो हुआ क्या कि काले धन पे प्रभार हुआ। डिमोनेटाइजेशन का अर्थ है कि लोगों को जो कैश रखा था वो जमा कराना पड़ा, उनके सामने कोई तो बार बार जो तर्क दिया जाता है कि सारा पैसा वापस आ गया बैंकों में, तो वापस तो आना ही था, उसकी आग जला के हाथ थोड़े ना सेकने थे लोगों ने, तो वो पैसा आ गया। तो काले धन पे जो ही प्रहार हुआ तो उसके साथ जुड़ी हुई संतोष, जो सफेद इकोनॉमी थी, व्हाइट इकोनॉमी थी, उसके ऊपर भी असर हुआ। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है रियल एस्टेट। आप देखें कि रियल एस्टेट में जो हुआ है वो काले धन की वजह से, वो उसका भट्टा बैठ गया क्योंकि काला धन नहीं चलता। अब उसकी वजह, जब काला धन यहां से निकलेगा, हाँ। तो ये मंदी आनी स्वाभाविक है मेरे विचार से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से 2 क्वार्टर तक और उम्मीद की जा सकती है कि इकॉनमी का यही बदहाल रहेगा। हालांकि ये कहने में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे होने वाले जो नुकसान है वो नुकसान जनता उससे पीड़ित नहीं है या उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर 2 क्वार्टर के बाद ये रिकवरी संतोष जो है अवश्य इसमें देखी जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों कदम एक अच्छे कदम थे, अच्छी इंटेंशन से करे गए। मेरा एक एड ऑन है आपके इसी कमेंट पर, लेकिन वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि ये तो कैशलेस के लिए हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया था। नहीं, कैशलेस तो देखिए इसका एक आउटकम है, जब आप कैश की ओवर जो कैश टू जीडीपी रेशियो है इस टाइम वो 1/6 कम हो गई है, तो जब आप कैश का प्रचलन कम करेंगे तो आपको कोई ना कोई मोड तो लेना पड़ेगा, तो उसमें कैशलेस तो उसका एक स्वाभाविक आउटकम है, वो तो एक आउटकम के तरह से देख सकते हैं। परंतु ये सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों एक अच्छे कदम थे, और उसमें इंटेंशन, कोई भी सरकार, संतोष मुझे बताइए, क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी ये जान बूझते हुए
कि इससे हमारा नुकसान होने वाला है, ये एक अच्छे कदम है, एक ट्रांजिशनल फेस है। यशवंत सिन्हा तो कह रहे हैं कि ये तो कुलाड़ी मारी है, ये तो देश को पीछे ले गए हैं। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने आंकड़े दिए हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के आंकड़े दिए हैं। और यशवंत सिन्हा अगर कुछ कह रहे हैं तो इस बात को समझिए। आप जानते हैं यशवंत सिन्हा पूर्व IAS रहे हैं और वित्त के बारे में बहुत जानकारी है उनको, मंत्रालय उन्होंने संभाला है। वो कुछ ऐसी बातें कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि हमने जो किया उसको गलत या हटा देना या फिर समावेश कर देना इस देश के हित में इस वक्त नहीं था। देखिए, क्या यशवंत सिन्हा जी इस बात को जानते हैं कि यहां पर कितना कालाधन था? अवश्य जानते हैं, आपने उनकी प्रशंसा में इतने शब्द कहे तो अवश्य जानते हैं। क्या काले धन का यहां पर पनपना एक अच्छी बात मानी जा सकती है? अगर काले धन की वजह से संतोष इकोनॉमी बढ़ रही है, मैं उस इकोनॉमी को बढ़ना नहीं मानता हूं। और काला धन अगर आप फ्लश आउट कर रहे हैं, जैसे ही आप फ्लश आउट करेंगे एक एंटीबायोटिक ली जाती है, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप एंटीबायोटिक लेने जाते हैं ना संतोष, बताइए, साथ में एक एंटासिड दी जाती है। हुआ क्या कि सरकार ने एंटासिड साथ में नहीं ली, वो एंटीबायोटिक अंदर जाके एसिडिटी कर गई है। वो एसिडिटी के परिणाम जो है हम भुगत रहे हैं। जो भी एसिडिटी ठंडी पड़ेगी, ठंडा दूध पी लीजिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है, अरुण जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी, जी हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसमें दो हिस्से हैं, एक तो आप सालाना कितनी आमदनी कमाते हैं और दूसरा कि उस आमदनी के हिसाब से आप कितना अपना धन जोड़ते हैं। तो जो काला धन है वो 300 से 400 लाख करोड़ रुपया है और उसमें जो कैश है वो सिर्फ 3 से 4 लाख करोड़ रुपया है, 1% करीब होता है। और जो काले धन की अर्थव्यवस्था में सालाना आमदनी कमाई जाती है वो करीब 93 लाख करोड़ रुपया है, तो यानी कि जो आपके काला धन है वो उसका महज 3% है। अगर आप 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो काला धन निकाल भी दें तो आपने सिर्फ 1% काले धन पे असर डाला है और जो काली कमाई है उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो काले धन की अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल लाने की बात थी वो बिल्कुल ही फेल हो गई, क्योंकि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया भी नहीं निकला। और जैसे कि अभय दुबे जी ने सही बताया कि अगर आप इनकम टैक्स रेड्स के करके और बाकी चीज़ों से कोशिश भी करेंगे कि ये पता करें ये 3 से 4 लाख करोड़ रुपया जो काला धन जमा हो गया है वो कहाँ पे है, तो वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्षमता नहीं है, क्योंकि जो 2012-13 के आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया कि 5.2 करोड़ लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आप सिर्फ 5 लाख लोगों को जो है ऑडिट कर पाते हैं। तो क्योंकि अरुण जी आप बहुत सीनियर हैं, हमारे तो बड़े माननीय हैं। काले धन की अर्थव्यवस्था पे जो नोटबंदी से कोई असर नहीं पड़ता है, और ये जो जो लोग कहते हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे नोटबंदी का असर है, दुनिया में कहीं इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा है। और पहले भी छोटा सा जवाब दे दीजिए, मुझे अरुण जी आप अर्थशास्त्री हैं, मुझे छोटा सा जवाब दे दीजिए, अगर आपके पास काले धन के इतने सटीक आंकड़े हैं तो अगर इसके इतने सटीक आंकड़े हैं तो काला धन ही नहीं है फिर, तो ये आंकड़े वाला कहां से निकल के आया? पहले आप हमें ये तो नोटबंदी का कोई असर काले धन के अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है। मेरी बात का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है कि आपके पास काले धन के जो इतने सटीक आंकड़े हैं, क्या वो जो इतने सटीक आंकड़े आपके पास काले धन के हैं वो आपने कहां से निकाले हैं? अगर काले धन के इतने सटीक आंकड़े होते तो ये काला धन होता ही ना, क्योंकि आपको जवाब दे दो। आप मेरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली नवंबर 26 का आर्टिकल पढ़ लें, उसमें सारा दिया हुआ है कि कहां से आंकड़े निकाले हैं, किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। मैंने अपने काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब में इसका जब जिक्र किया हुआ है कि इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, जैसे GDP एस्टिमेट किया जाता है, उसी तरह से काले धन की अर्थव्यवस्था का भी आकलन लगाया जाता है। काला धन था ही नहीं, ये छुपा होता है। काले धन का एक कैरेक्टर होता है कि ये छुपा होता है। नहीं, जो चीज छुपी होती है तो इसके लिए तो कोई अंतर्यामी चाहिए इसको निकालने के लिए। छुपी चीज को भी छुपी चीज को भी एस्टिमेट किया जाता है, जैसे कि आप जो कोई मर्डर कर देता है तो मर्डरर सामने नहीं आता है तो आप उसकी तहकीकात करते हैं, तो उसी तरह इसको हम बोलते हैं ट्रेस मेथड। ट्रेस मेथड में क्या होता है कि व्हाइट इकोनॉमी पे ब्लैक इकोनॉमी का क्या असर है उसके आधार पे हम पता लगाते हैं कि जब कितनी ब्लैक इकोनॉमी है। तो इसके चार तरीके हैं, एक फिस्कल अप्रोच है, एक मॉनिटरिस्ट अप्रोच है, एक सर्वे अप्रोच है, एक इनपुट आउटपुट अप्रोच है। चार अलग अलग तरीकों से ये एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, अरुण जी हाजी साहब भी मेरे साथ हैं। देखिए हाजी साहब बहुत इसलिए जरूरी हैं इस डिबेट में क्योंकि बुनकरों का प्रतिनिधि कर रहे हैं और मेरे साथ वो बनारस से जुड़े हैं। हाजी साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि नोट बदली से पहले और नोट बदली के बाद धंधे में क्या बदला? देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। दिक्कत सिर्फ आपको मैंने पहले ही बताया था
जो रेशम का भाव पहले 3800 रुपया था, अभी दुकानदार जो बिचौली है वो 4500 में बेच रहे हैं और बिल दे रहे हैं बुनकरों को 3800 रुपये का। इसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है। और बाकी तो मोदी सरकार से बुनकर समाज पूरी तरीके से खुश है। तो भ्रष्टाचार रुका कहाँ भेजी जो बिचौलिए तो हावी है, ये तो सीधा एग्जाम्पल है। देखिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो कुछ संस्थागत कार्यक्रम कर लेने पड़ते हैं, उसमें जिस तरह से लोकपाल हम लोग कहते हैं, लोकायुक्त कहते हैं, तो ये तो पुराने तरीके हैं। मतलब अगर मोदी सरकार को वास्तव में भ्रष्टाचार निवारण करना था इस देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण की भी अपनी एक राजनीति है जो सरकार के अंदर चलती है, सरकार के बाहर चलती है। मोदी सरकार को अगर वास्तव में ये दावा करना कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये दावा करना एक अलग बात, इसके लिए तो केवल जबान चलानी पड़ती है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ वो तो जबान चलानी पड़ती है। असली बात यह है कि क्या मोदी सरकार का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड क्या है, मोदी सरकार ने क्या पिछले 3 साल में करप्शन के एरेडिकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया है? जब तक वो नहीं होगा, उसके लिए पहला काम हो होना चाहिए था, उन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहिए थे, चुनाव सुधार करना चाहिए थे। राजनीति के वजह से जो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है उसका निवारण हो सकता था बड़े पैमाने। देखिए जीरो करप्शन सोसाइटी नहीं होती है, इसी तरह जीरो ब्लैक मनी इकोनॉमी भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ ब्लैक मनी इकोनॉमी में रहता है। और नियोजक जो होते हैं, जो प्लानर होते हैं, वो इकोनॉमी में एक सीमा तक ब्लैक मनी रखते हैं, वो एक सीमा से आगे नहीं जाने देते, उसको रोकते हैं, तरह तरह की स्कीमें निकालते हैं, उसको रखते हैं। अगर ब्लैक मनी पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा इकोनॉमी में से, तो सबसे पहले इस पे मार पड़ेगी, इसको हम कंज्यूमर रेवोल्यूशन कहते हैं, उपभोक्ता क्रांति का भट्टा बैठ जाएगा। जो इंडिविजुअल कंजम्पशन है, जो व्यक्तिगत उपभोग है, वो नीचे गिर जाएगा और इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर उसकी वजह से मंदी आएगी, क्योंकि फैक्ट्रियां माल नहीं बनाएंगी, फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से माल नहीं बनाएंगी, फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से माल नहीं बनाएंगी तो नया निवेश नहीं होगा। ये पूरा एक मिनट भाई साहब, ये पूरा कुचक्र जो है उससे चल जाता है। इसलिए सारे काम अर्थव्यवस्था में सोच समझ कर और दूरंदेशी के जरिए करने पड़ते हैं। इस फौरी राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से किए गए सारे लाभ जो है वो अर्थव्यवस्था के खिलाफ जाते हैं। शरद जी बहुत संक्षेप, मैं सिर्फ अभय जी की बात में जोड़ना चाहूंगा। देखिए इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, बिना सरकार का पक्ष लेते हुए मैं ये कहता हूं कि आज हमें 3.5 साल हो गए संतोष, आप भी एक मीडिया चैनल चला रहे हैं, हमें अभी तक किसी मंत्री का, जो हमें पहली सरकारों में सुनने को मिलते थे, हमें अभी तक को भ्रष्टाचार का आरोप सुनने का नहीं मिला। अब मैं किसी सरकार का डिफेंस, मैं ये कह रहा हूं कि माता पिता जब बच्चे को सिखाते हैं ना संतोष के सुबह जल्दी उठा करो, उनको पहले खुद उठ के दिखाना चाहिए। तो अगर सरकार में एक अच्छी पहल ऊपर है, ईमानदारी की पहल दिख रही है, तो ये नीचे जो अफसरान है, नीचे जो सारी मशीनरी है, उनको ये संदेश मिलता है कि ऊपर से करप्शन नहीं है। अभी पहले क्या था कि करप्शन नीचे से ऊपर तक जड़ जड़ में घुसी हुई थी, ठीक है। तो ये एक अच्छा मैसेज नीचे जाता है, उससे एक डर बैठ जाता है नीचे ब्यूरोक्रेसी में कि यार ऊपर मेरा मंत्री अगर नहीं लेता है रिश्वत तो मैं लूंगा तो मैं बहुत बुरी तरह फंसूंगा, और उसको पता है मेरा मंत्री भी लेता है, मैं लेता हूं तो मुझे बचाने वाला खड़ा है वहां पर। फाइनल कमेंट अरुण जी, अरुण जी फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है कि यूपीए 1 में भी कोई बड़े जो करप्शन के केसेस नहीं आए थे और करप्शन चल रहा था जो यूपीए 2 में रिवील हुआ। उसी तरह राजीव गांधी आए थे तो राजीव गांधी ने कहा था क्लीन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दैट वर्क्स, और वो पहले 2-3 साल कुछ भी नहीं पता लगा, लेकिन उसके बाद इतने धड़ाधड़ करप्शन के केसेस निकल के आए कि उसका तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस सरकार में कोई करप्शन नहीं हो रहा है या कुछ। और दूसरी बात यह कि डीमैट स्कैम और व्यापम स्कैम जैसे बड़े बड़े स्कैम हैं, और भी अब स्कैम तो बहुत सारे स्कैम है जिसके बारे में अभी कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। पर आप तो छुपा निकालने की बात करते हैं अरुण जी, वो छुपा आप छुपा ढूंढ लीजिए ना उसमें से, अगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता। अभी तो आपने कहा कि हम छुपा ट्रेसेस से निकाल लेते हैं, तो उसको निकालिए फिर, अगर वो दिख रहा है करप्शन है तो दिखाइए कहां पर है। तो मेजरमेंट देखिए मेजरमेंट करना अलग बात है और उसको जब किसी को पकड़ना अलग बात है। किसी को पकड़ने के लिए आपको तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, पॉलिटिक्स में बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे अभय जी ने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, और बाकी जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी यशवंत सिन्हा जी क्या करना चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिजनेस लानी पड़ेगी, तब जाके वो पकड़ में आएगा। यशवंत सिन्हा जी क्या करना चाह रहे हैं ये बड़ा सवाल है। वो इलेक्टोरल चेंज की बात तो करते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स के भीतर मोदी सरकार के भीतर किसी तरह के चेंज की बात कर रहे हैं या फिर मोदी सरकार किसी की सुनती नहीं है, इस बात पर वो मोहर लगा रहे हैं। चलिए इस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है, प्रोफेसर अरुण कुमार, शरद कोहली साहब, अभय कुमार दुबे, हाजी अनवर, डीआर साहू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, ये बुरे दिन कब जाएंगे।